आज एक बात सुनो, अपने आसपास में कहीं भी रेप हुई लड़की की रोने की आवाज आपको सुनाई दे तो चुप मत रहो। गलत, बहुत गलत। सृष्टि में महिला ईश्वर की एक महत्वपूर्ण रचना है। किसी भी महिला की हत्या करना पाप है। अपराध है, घोर अपराध है। किसी को भी जन्म या मृत्यु देना ईश्वर के हाथ में है। महिला को मारने से पहले ईश्वर से डरो। किसी भी स्त्री को देखकर वैश्यत की भावना जागृत हो, इससे पहले कई बार सोचना कि भगवान का बनाया एक हाथ पीड़ित महिला के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, और वो हाथ है भाला। एक बीड़ी देना। का काम करने वाला शख्स घर के बाहर खेल रही मासूम को चॉकलेट दिलाने के बहाने उठाकर अपने कमरे में ले गया और गलत हरकत करने के बाद घर के बाहर छोड़कर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बालिका के साथ बलात्कार करके मार दिया गया, बलात्कारी को पुलिस ढूंढ रही है। बेशरम कहीं का, उसको मालूम है कि इधर भाला आ गया है, उसे छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा वो।
और मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? अपनी हवस और प्यास में तूने एक 7 साल की छोटी बच्ची का बेरहमी से रेप करके मार डाला। तूने क्या सोचा था इतनी आसानी से अरविंद स्वामी की तरह तू भी जेल में आराम करेगा? तूने भाला के बारे में सुना होगा। हाँ सुना है। क्या सुना है बता। मैंने सुना है अगर कोई रेप करे तो उसको वो जान से मार देता है। उसके बाद भी तुझे डर नहीं लगा? तुझमें डर नहीं है? गलती हो गई मुझसे। अब लड़कियों की तरफ देखने से पहले 100 बार सोचेगा तू। गलती माफ कर दो मुझे। गलती तो तुम तब करोगे जब तुम गलती करने के लिए जिंदा रहोगे। भाला की डिक्शनरी में माफी शब्द नहीं। पहले तेरा लिंग काट के उसे कुत्तों को खिला दूंगा, फिर तेरी आंखें निकाल कर ऐसे चबाऊंगा, फिर तेरी उंगलियां काटूंगा इस तरह से, फिर तेरी ये खाल है ना चक्कू से इस तरह छीलूंगा। सुना तूने? तुमने कभी भाला को देखा है क्या? हाँ बहुत बार देखा है। कहाँ कब देखा? कहाँ क्या, वीडियो में। अच्छा। हाँ, मुझे बहुत डर लगता है, भाला बड़ी आसानी से सबको एक एक करके मार देता है। लगता है ये भाला बहुत ही खतरनाक है, सही बात है ना? हाँ। अरे रे। लाइटर प्लीज। बच्ची का बाप कौन है? ओ रहा। मेरी बेटी। क्या हुआ था उसके साथ? क्यों आए हो यहाँ? क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? चले जाओ यहाँ से। दीदी शांत हो जाओ। छोड़ दे मुझे, बोलूंगी मैं। मेरी बेटी के रेपिस्ट को अभी तक नहीं पकड़ा, क्यों? वो जिंदा नहीं बचेगा, उसको मारने के लिए बहाल आएगा। मेरी बेटी के रेपिस्ट को वो सजा देगा। भाला! मेरी भी 1-7 साल की बच्ची थी, मैं तुझे तेरी तो तुझे नहीं छोड़ूंगा।
यही हाल होगा हर रेपिस्ट का। रेपिस्ट मस्ट डाई। Yes, Freddy है। मैं आ रहा हूं। हाँ, शाम को मैं आऊंगा पक्का। ओके, ठीक है। शाहजी। जी सर। तुम्हें अचायन को मिलना होगा। कब सर? शाम को। हाँ ठीक है, चलेगा। ये भाला कौन है? मालूम नहीं सर, होगा कोई तो। जो भी हो, पर उसे हमसे पंगा लेने के लिए तो 100 बार सोचना पड़ेगा। शाहजी, मार्टिन। डेंजरस मार्टिन। अच्छा नाम है। अब तो ढूंढना ही पड़ेगा। खाली ढूंढना नहीं, मिलना पड़ेगा। उसे ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। अरे नालायक, फोन करती हूँ तो उठाते क्यों नहीं? अरे साइकिल चलाते हुए फोन कैसे उठा सकता है? आज मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है। आज पूरा दिन दुकान तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे अपना फोन रिचार्ज करवाना है। अच्छा। और पापा के पेंशन के लिए भी यहाँ आई। एनीवे, मुझे जाना होगा, फिर मिलेंगे। आज थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है। तुम्हारे पिताजी ठीक तो है ना? उन्हें मेरा प्रणाम जरूर कहना। ठीक है। दीदी चली गई क्या? आज भी तू लेट हुआ ना? रसिया दीदी तुझे नौकरी से निकाल देगी। यहाँ कुछ नहीं, सब टाइम पास काम है। वो कैसे? तुमने भाला का नाम सुना क्या? सुना? बताओ कौन है भाला? कौन है? तुम्हारे सामने खड़ा है, दिखता नहीं क्या? इधर है। दूसरा कोई नहीं, मैं ही भाला हूँ। पर बाहर किसी को बोलना मत। तुम डरो नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। भाला से मैं क्यों डर के रहूंगी बताओ? लेकिन हाइट से तो तुम। मैं छोटा नहीं हूँ, ऐसे ही चलता हूँ ताकि किसी को डाउट ना हो। मैं तो इस घर पर बोझ हूँ। कुछ भी बोलूंगी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। कितनी भी बार बोलो पर तुम्हारे दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं है। कहते कहते पागल हो जाऊंगी मैं।
इससे तो अच्छा है कि मैं गाना गाने लग जाऊं। भाई के लिए काम नहीं ढूंढ सकते। सुनो शरीन, जॉस भाई ने शॉप छोड़ दिया ऐसा मैंने सुना है। एक बात और कि तुम्हारा भाई शॉप नहीं चला सकता, इसी कारण मैंने जॉस भाई से फोन पे इस बारे में कोई बात नहीं की। किसने कहा? रसिया की दुकान तो मेरा भाई ही चला रहा है ना। अपनी दुकान होगी तो जिम्मेदार हो जाएगा। पर जाने दो, तुम्हें कहकर तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने दो। सुबह सुबह ऐसे झगड़ा मत करो प्लीज। ओ, तो झगड़ा मैं करती हूँ। तुम्हें ना कितना भी समझाओ पर समझोगे नहीं। कोई फायदा नहीं है तुम्हें समझाने का। दिन भर मैं चिल्लाती रहती हूँ पर तुम्हारे कानों पर चुप भी नहीं रही। रहा करो, मेरा कौन है इस घर में सुनने वाला। मेरी बातों को तो सब लोग अनसुना कर देते हैं। कहते कहते थक गई हूँ मैं। हमेशा गलत मैं ही ठहरती हूँ। मेरे भाई के लिए एक काम नहीं ढूंढ सकते तुम। कब से कह रही हूँ पर अब तुमसे एक बार भी नहीं कहूंगी। जो करना है करो। पागल हो गई हूँ मैं कह कह के। आज भी बस मिस हो गई क्या? हाँ, आज भी लेट हो गई। जल्दी बैठो, काफी देर हो गई। चलते हैं। लोग मुझे पूछते हैं कौन है ये सुंदर लड़की। कितने लाइक मिले आपको? 150। वाओ, पापा मोबाइल खरीद कर देने वाले हैं। अरे भाई एक चाय दे दो। कड़क बना दूं? हाँ कड़क। और क्या हाल है? हाँ बढ़िया। क्या बात है, सब इधर ही है आज? हाँ। अरे इतना सुबह किसके बारे में वार्तालाप चल रहा है भाई? ये लो। क्यों सेवियर? हाँ मैंने सुना है तुम नई दुकान चालू करने वाले हो। सच है ना? अरे सैताली भाई, दुकान उकान कुछ नहीं। तो फिर? अपना तो एक छोटा सा काम है, उसके लिए ऑफिस चालू कर रहा। अच्छा, तो तुम्हारी शादी कब होने वाली है? अगले साल तक शादी हो जाएगी क्या? अभी इसको देखने के लिए यहाँ लड़की कोई बची नहीं है। कुछ भी बोलते हो, मुझसे शादी करने के लिए अब यहाँ संस्कारी लड़के कोई बची ही नहीं। ओ, ये बात है। और आजकल कोई लड़की देखने में जाता भी नहीं, इसलिए शादी का ख्याल मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया। ये अच्छा ही किया, वैसे भी तुझे कोई लड़की पसंद नहीं करती। तो आजकल कर क्या रहे हो? मैंने कंप्यूटर में एक नया साइट चालू किया। 2000 लड़कियों का डिटेल्स है मेरे पास, वो भी मेरे कंप्यूटर में। आजकल मैंने एक नया काम शुरू किया है, सेव योर टाइम। पर सेव योर टाइम है क्या? सेव योर टाइम, कम समय में घर बैठे लाइफ पार्टनर ढूंढने का एक नया अद्भुत साइट। कुछ भी, तू तो बड़ा आदमी बन गया भाई। अरे सेवियर, ये साइट शुरू करने के बाद शादी हो जाएगी? ये मैंने कब कहा? नया रजिस्टर करने वाले आए तो मेरा कमीशन आराम से बचेगा ना। अगर साइट सही से चल पड़ा और बाद में साइट के ऊपर एड आने लगा तो समझो पैसा ही पैसा। ये भी सही है, एड आ गया तो और पैसा मिलेगा, तब तो तू हम लोग को पहचानेगा ही नहीं। एड का मतलब क्या होता है? एड का मतलब बकरी मत समझो, एड का मतलब प्रचार होता है। ये बात है। नगर में भाला वापस आ गया है। बिनी रेप केस वाला आदमी का मर्डर करने वाला वीडियो व्हाट्सएप में वायरल हो गया है। पुलिस भाला को ढूंढ रही है। अरे सैताली भाई, आखिर ये भाला है कौन? उसका नंबर है क्या तुम्हारे पास? अच्छा, वो जैसे रोज मेरी दुकान में आता है चाय पीने के लिए। तू कैसी बात कर रहा है सैवियर, तुझे भला क्यों चाहिए उसका नंबर? क्या सैताली भाई, आप भी ना, भाला एक बड़ा ब्रांड है। अगर उसका एड हमारे साइट पर आ जाए ना तो रातों रात मेरा साइट फेमस हो जाएगा। देखो देखो, तुम ऐसे बेकार की बात मत किया करो। एक बकरी पकड़कर उसके ऊपर भाला लिखकर अपने साइट के ऊपर डाल दो, अच्छा चलेगा। अच्छी बात की अंकल ने। हाँ ठीक है, चलता हूँ। हेलो। हाँ अरे कांजी भाई, बाद में मिलेगा। हाँ रसिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ किसी काम से आया था। हर जगह भाला, हर जगह भाला की चर्चा चल रही है। ये देखो, बेटी के हाथ में भी भाला का बैंड है। अरे कल शाम में मिल जाएगा। हाँ रसिया, मैंने यहाँ एक नई दुकान शुरू की है। बहुत बिक्री है इधर, समझी? कुछ समय के लिए यही दुकान रखूंगा। क्या बोलती हो? अभी मुझे जाना होगा, बिजी हूँ, बाद में मिलता हूँ। तुम इधर ही बैठो, मैं अभी गई और अभी आई। अभी ये अखबार तुम लो, अपना वाला मुझे दो। हाँ, हाँ। स्कूल में तो आज सारे बच्चे हाजिर हैं। सब यहीं पर हैं। सेताली भाई, हाँ? आप अपना फोन लो, बिल्कुल नया हो गया है। लाओ लाओ, ये 2 दिन से मेरे पास नहीं था तो मैं भी बहुत बोर हो रहा था। अच्छा सुनो रसिया, हमारे सेवियर को भाला का नंबर चाहिए था, मिल जाएगा क्या? मैं नंबर दूंगी। सच में? लेकिन हाँ, कमीशन चाहिए, मंजूर है?
नहीं चाहिए। ओ नहीं चाहिए। ओहो मैं तो भूल ही गई, मैं जा रही हूँ। अरे पैसे तो लेती जाओ, बाद में ले लूंगी। ठीक है। हेलो हेलो, रॉन्ग नंबर लगता है, ये नंबर किसका हो सकता है? सॉरी बेबी, चलते हैं। ठीक है। चलो स्कूल आ गया, बैग लो अपना, बाय बाय। ओके दीदी बाय, थैंक यू। ये देखो तुम्हारा। ओह भूल ही गई थी। ओके दीदी बाय बाय। रसिया तुम भाला को पहचानती हो? तुम्हारे पास उसका कोई नंबर या एड्रेस है क्या? ओह तो टीचर आप भी भाला की फैन है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, एक तरीका है, फेसबुक पर जल्दी से एक पोस्ट डालो, भाला तुरंत तुम्हारे पास आएगा। सच में? लेकिन बात क्या है? वो तो सीक्रेट है। थैंक यू। हाँ ठीक है, एक चाय दे दे भाई। हाँ विनय, उस दिन तुमने कहा था ना तुम्हें एक किरायेदार चाहिए। हाँ। उसके लिए मैंने एक आदमी को बोल दिया है। वो आदमी तो आया था सताली भाई है? और आज ही घर के लिए एडवांस भी देके गया। तो तुम्हें मिल गया क्या? हाँ मैं तो उससे मिल के ही आ रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं चला। चाचा दो चाय। भाला लाजवाब है। रेपिस्ट को पकड़कर मार डालना चाहिए, भाला सही काम कर रहा है। सच में? ये लो चाय। क्या है ये? रेपिस्ट को मारते हुए भाला का वीडियो। नया वीडियो आया है? हाँ, क्या आया है ना, पेपर में भी आया। इधर भाला की जरूरत क्या है, इधर पुलिस है, कानून है। हाँ सही बात कह रहे हो विनय भाई, लेकिन भाला तो लोगों की भलाई का काम कर रहा है। मैं तो भाला का जबरदस्त फैन हूँ। मासूम बच्चियों के साथ रेप करके उनकी हत्या करने वालों के साथ जो काम कानून को करना चाहिए वो कानून तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन भाला तो कर रहा है ना, वो बिल्कुल सही कर रहा है। रेपिस्ट को अगर पुलिस पकड़ भी लेती है तो उसे बेल पर छोड़ दिया जाता है, और अगर जेल भी गया तो वहाँ खा पी कर ऐश करते रहता है, ऊपर से उसको प्रोटेक्शन अलग। सबूत नहीं मिला, एविडेंस नहीं है, ऐसा कहकर छोड़ दिया जाता है, ये इंसाफ है क्या? एक तरह से सोचो तो अच्छा है, रेपिस्ट को जान से मार देना चाहिए। शैताली भाई भाला का बड़ा फैन है। आप भाला को पहचानते हो क्या? आप भाला को नहीं पहचानते? वैसे इनको मैंने कभी इधर देखा नहीं। शैताली भाई जरा टीवी का रिमोट देना। हाँ रिमोट तो उधर ही था ना, ये रिमोट कहाँ रख दिया मैंने, मुझे याद भी नहीं हुआ। हाँ आपका नाम क्या है? कुमार। कुमार एक सिगरेट देना प्लीज। ये रिमोट यहाँ रखकर मैं उधर ढूंढ रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं। टॉमी भाई रिमोट मिल गया, जो देखना है देखो। लोग भाला के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, आपका क्या कहना है? जो काम पुलिस को करना चाहिए वो भाला कर रहा है। वी सपोर्ट भाला। ओके। रेपिस्टों का काल और उन्हें बुरा सपना दिखाने वाला भाला लोगों के मन में बस गया है। आइए जानते हैं लोगों का क्या कहना है। लोग भाला को बहुत पसंद कर रहे हैं और उसे अपना हीरो मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो भगवान का भेजा हुआ अवतार है। आइए इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। जो काम कानून को करना चाहिए वो काम हमारे लिए भाला करके दिखा रहा है। मैं तो भाला की फैन हो गई हूँ। भाला के बारे में लोगों की राय अभी आपने सुनी, सभी लोग भाला की बहुत तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि भाला बहुत अच्छा काम कर रहा है, भाला का समाज के लिए अद्भुत योगदान सराहनीय है। भाला हमारे लिए भगवान का अवतार है, उसी के कारण आज हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हैं। जब तक भाला है हम किसी से नहीं डरेंगे। सभी लोग भाला पर बहुत विश्वास करते हैं, पर ये भाला है कौन, कहाँ रहता है और कैसा दिखता है ये कोई नहीं जानता। चलते हैं, मिलेंगे सर। कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा केस? जल्द से जल्द आके मुझे मिलो। यस सर, रिपोर्टिंग टुडे सर। हाँ तुरंत आके मुझसे मिलो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कहां तक पहुंचा तुम्हारा ये केस? और ये भाला कौन है? कोशिश जारी है सर। हाँ सर। अरे केस कहां तक पहुंचा और ये भाला कौन है? इसके बारे में छानबीन चालू है सर। लगता है भाला को इंसान ही एक संगठन है सर। वो लोग भाला का कंट्रोल आउट ऑफ इंडिया से करते हैं सर। कभी इटली, कभी जर्मनी और भी बाकी देशों से सर, कभी कभी बेंगलोर से। थोड़ा तो मुश्किल हो रहा है सर। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। टेररिस्ट ग्रुप के साथ कोई लिंक? नहीं सर, हमारे पास कोई लिंक नहीं है। उनका मकसद रेपिस्ट को मार देना है सर। आज भाला संगठन के सभी लोग फैन बन गए सर। वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन हमारा कानून व्यवस्था उन्हें सपोर्ट नहीं करता। उन्हें आगे बढ़ने से पहले अरेस्ट करके जेल में बंद करो सर। वो रेपिस्टों को पकड़ के मार डालते हैं, उनका वीडियो निकालते हैं। इसके पीछे जो लोग भी काम कर रहे हैं उन्हें पकड़ना होगा। अपनी पूरी पुलिस फोर्स को उनके पीछे लगा दो। बिल्कुल सर। उन लोग का मेन अड्डा बेंगलोर में है। यू कैन टेक योर एक्शन, नो इमोशनल कमिटमेंट्स एंड एक्सक्यूजेस। डन? यस सर। थैंक यू। ओके। एक प्रॉब्लम है भाई। भाला को पकड़ने के लिए एक स्पेशल स्क्वाड बनाया गया है। ओहो, तो अब क्या हमें छुपकर रहना पड़ेगा? ऐसा मत सोचो, ऑफिसर एक नॉर्मल आदमी की तरह होते हैं, यूनिफॉर्म नहीं डालते हैं। अपराधी लोगों के स्केच देखकर ढूंढ लेते हैं और उधर ही खत्म कर देते हैं। उनके लिए हम क्रिमिनल नहीं है ना, इसीलिए। यहाँ किसी को कभी भी रेप करके मार डालते हैं और पकड़े जाने पर कुछ ही दिन जेल में रह के बाहर आ जाते हैं। रोज एक रेप न्यूज़पेपर में आती रहती है और हम क्या करते हैं, उसे पढ़कर फेंक देते हैं। जिसके साथ रेप होता है वो किसी की बेटी, बहन या बीवी हो सकती है। हो सकता है कल वही घटना अगर अपनों के साथ हो जाए तो इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। हाँ, हम सब लोग ऐसा ही करेंगे अलियास। हम लोग विरोध करेंगे। जब तक वहशी दरिंदे की आंखों में खौफ नहीं आता तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मासूम बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं है उन्हें मारने वालों को पकड़ कर टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर देना चाहिए। बेटा यहाँ जाओ। चलो यहाँ बैठो। तुम इसका ध्यान रखो, मैं देख कर आती हूँ। मुझे बस एक चाय पीनी। हाँ, मुझे भी चाहिए। और तुमको? मुझे बिस्किट चाहिए। बिस्किट दीजिए। क्रीम बिस्किट? हाँ क्रीम बिस्किट, वो वाला। हाँ, है ना। हाँ। वो बेटी तुम्हें क्या चाहिए? दो पैकेट दीजिए। बेटी तुम्हें क्या चाहिए? देखो मुझे जूस। हाँ, चाहिए। जूस भी दीजिए। कितना चाहिए? एक एक ही। ओके। जूस, एक जूस ठीक है, यही मंगा। ए, क्या कर रहे हो तुम? देखो ए, क्या हो गया? क्या रे, ज्यादा होशियारी दिखा रहा है? चल रहे, ज्यादा स्याणा बनता है क्या? ए, कॉलर छोड़ो। टेस्ट तो पूरा मक्खन मलाई है। हट। ए, ये रख तेरा पैसा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों? कुछ नहीं भाई, बिल्ली का शिकार कर रहा था। तुम आओ गाड़ी में बैठो। काफी अच्छा खेले तुम दोनों, मुझे तो देखकर बहुत मजा आया। तुम कब आए? थोड़ा ही वक्त हुआ है, तुम दोनों का गेम देखने के लिए यहाँ पे बैठ गया। और क्या हाल है? अच्छा है, चल रहा है। और रसिया, उस दिन वहाँ फ्रेडी था, मुझे यकीन है। मैंने तभी बोला था ना, वो फ्रेडी है। तो तूने क्या बोला? थोड़ा डाउट है। अभी क्या हुआ? हम वो चैप्टर क्लोज ही कर देते हैं। क्यों? अलियास, फ्रेडी पर थोड़ा नजर रखो, वो खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन उससे पहले हम तीनों ही उसकी जान ले लेंगे। यस, उसको उसका एक गिफ्ट भी देना है। हाय, आप गिरीश सर है ना? हाँ बोलो। क्या पूछना चाहते हो? भाला कौन है? आप पुलिस वाले हैं ना? खुफिया पुलिस। देखिए, ये बात आप किसी से भी पूछिए, एक ही जवाब मिलेगा, मैं हूँ भाला, मैं हूँ भाला। सारे लोग एक ही बात बोलेंगे।
ये क्वेश्चन मुझसे पूछने का कारण? भाला का साइट आउट ऑफ कंट्री से ऑपरेट होता है, इतना तो हमें पता है। रियल एस्टेट के काम में तुम्हारा कनेक्शन आउट ऑफ कंट्री से है, जिसे ऑपरेट करता है वहां बैठकर भाला संगठन। स्टूडेंट सोमिया के मर्डर में पकड़ा गया, समसेक को भाला ने पहले ही मार डाला, वो भी बड़ी बेरहमी से। इसलिए पुलिस की नजर तुम्हारे ऊपर है मिस्टर गिरीश। हाँ, मेरी स्टूडेंट सुमैया, वो 20 साल की थी। उसका रेप करने वालों को कानून और पुलिस ने ऐसे ही छोड़ दिया। बोला गवाह नहीं है, मैं खुद उस रेपिस्ट को मार डालता, लेकिन मुझसे पहले भाला ने मार दिया। भाला भगवान का अवतार है। आपने स्पाइडरमैन, बैटमैन सबका नाम सुना है ना, वो भी उन्हीं लोगों के जैसा है। वो ठीक है, लेकिन वो पुलिस की नजर में क्रिमिनल है। हाँ होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद भाला के साथ है। रेपिस्ट को बचाने वाले पुलिस से ज्यादा लोगों को भाला पे विश्वास है। दुष्टों का संहार करने वाला है भाला। फिर मिलेंगे। डरना पड़ेगा तुम्हें, और लड़कियों को छूने से पहले सोचना पड़ेगा तुम्हें। ये भाला कौन है? कोई नहीं, कोई लड़का मस्ती कर रहा है, भाला के नाम से हमें टेंशन दे रहा है। वो लोग मिले तो हमें बताना, तुम्हारा हिसाब मैं देख लूंगा बाद में। कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़? हाँ, ये तो आपका शाजी है ना? मेरे राइट हैंड को मार दिया गया। पापा, आपने अभी तक पैसों का इंतजाम किया कि नहीं? तू जा, मैं कर दूंगा, जा। कल लास्ट डे है। फ्रेडी, आपके पास कुछ पैसा हो तो 5,000 दे दो ना। अरे ले लो बेटी। अब मैं चलती हूँ। इसे तो नंगा करके रास्ते में घसीटते हुए ले जाना चाहिए था। रसिया, ये पोस्ट उस टीचर का है ना? किधर दिखाओ मुझे। प्रिय भाला, इस नगर में पीड़ित लड़कियों की रोने की आवाजें सुनने वाला कोई नहीं है। पढ़ाई में इतनी तेज लड़की को पढ़ाई से दूर भागते हुए देखा। ये सब देखकर जब मैंने उसके बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि उस बच्ची का रेप करने वाला उसका अपना पिता ही था। पैतालीस लाख मांगने वाली एक लेडी है।
उसकी बेटी की किसी ने हत्या कर दी है, और ये इंसिडेंट हुआ 2010 में। उसके पड़ोस वाले दो आदमी थे, उन्होंने 7 साल की बच्ची का रेप करके उसे मार डाला। अपराधी को 12 साल की तो कैद हुई। अभी किधर है? बैंगलोर। ओह। उसे ढूंढने के लिए बोल दूं? इस कहानी पर विश्वास किया जा सकता है। मेरी बेटी को अपनी वासना का शिकार बनाया तूने, दुष्ट दरिंदे, मार डालूंगी। बोल ना। क्या कर रही हो मेरे साथ? मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्यों? क्यों मार रहे हो मुझे? तुम कौन हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। जिस लड़की के साथ रेप होता है उसके दर्द का एहसास है तुम्हें? बोल। नहीं, नहीं, बोल, बोल ना। नहीं, नहीं, बोल। नहीं। ये तो बलात्कारियों को मार दे रहे हैं। सही कर रहे हैं। पसंद आया? हाँ, इसे पैक कर दो। ठीक है, ठीक है। हाँ, पैक कर दो। ये लीजिए। मैंने उसे बोला नया नंबर ले ले, लेकिन अब तक चेंज नहीं किया। वो कभी सुधरेगा नहीं। लगता है सीधे अफ्रीका से आए हो। हाय ब्रो। हाय ब्रो, भाला वॉच है क्या? अच्छा, भाला वॉच चाहिए? अरे पूरा भाला का ही है। भाला वॉच है, भाला ब्रेसलेट है, भाला कंघी है, भाला चड्डी है, चड्डी भी है। यहाँ भाला ब्रांड है। क्या बात, सारा वही माल भरा है, अच्छे से देख लो। ये वाला, हाँ ये वाला अच्छा है। भाला वाला स्कार्फ भी दे दो। स्कार्फ? हाँ हाँ, दो दूँ? मुझे वो दो बैंड चाहिए। ये? अरे इसमें कोई दूसरा कलर है क्या? वाओ ब्रो, भाला का वॉच एक और चाहिए, मिलेगा क्या? बहुत अच्छा है। मेरे पास भाला बेडशीट भी है, उसे खरीद लो। उस पे सोओगे तो चैन की नींद आएगी, क्या बोलते हो? नहीं नहीं नहीं, बस अभी कितना हुआ बताओ। 250 रुपए। 250 रुपया, ये लो। कुछ और चाहिए क्या? नहीं नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं बस ठीक है। ये लो पकड़ो। ओके ओके, चल ये लो पकड़। ओके थैंक यू।
ओके ओके। अरे भाई मैं ऑल टाइम यहीं पे रहता हूँ। अरे हाथ तो मिलाओ। अरे भाई जरा धीरे, बहुत मजा किया है। ए, बहुत हो गया। रात में किडनैपिंग, मर्डर, स्मगलिंग, दिन में सेल्फी, फेसबुक फ्रीक। भाला तुम लोग हो ना? नहीं सर, भाला हम लोग नहीं है सर, ये मास्क है, आप देख लो ना सर। मास्क है, इसका मतलब तुम लोग भाला का फैन है क्या? सच बोल भाला, तुम ही लोग है ना? नहीं सर, हम लोग नहीं है, गॉड प्रॉमिस। हम लोग तो बस यहाँ पर खड़े होके सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह भाला के वेश में नाटकबाजी करेगा तो थाने लेकर जाऊंगा, बाद में बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। भाला को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर है, पता है ना? बात समझ में आई या थप्पड़ मार के समझाऊं? हे मेरे भगवान, अब ये भी बंद करना पड़ेगा क्या? अरे पुलिस वाला क्या कर लेगा, भाला के सामने आते ही चड्डी गीली हो जाती है इन लोगों की। भाला कोई राक्षस है क्या? ये तो मुझसे पूछ रहा है। भाला कितना बड़ा है और वो क्या कर सकता है? अगर वो मास्क पहन के आए तो? तब तो पुलिस देखते ही रह जाएगी। सैल्यूट करेगी, सैल्यूट। चाचा इधर आओ। सच बोलो ना, भाला को कितना जानते हो? अरे चल जा भाई, भाला को मैंने देखा है। लगता है आप भी उसके फैन हो। लगता है? अरे मैं उसका फैन हूँ। इतने गौर से तुम क्या देख रहे हो? दिखाओ मुझे। देख लूंगा।
गांजा, किडनैपिंग, रेप और भी बहुत सारे गलत काम। फ्रेडी की हेल्प करने के लिए आया नया ड्राइवर। भाला क्या कर सकता है अब पता चलेगा तुम लोगों को। तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी और तुम्हें बचाने के लिए यहाँ एक कुत्ता भी नहीं आएगा। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, तुम्हारे लिए तो कोई और बंदोबस्त है। बिफोर दैट टेल मी नाउ वेयर इज फ्रेडी। फ्रेडी के कुत्ते, तू नहीं बताएगा, तू मुंह नहीं खोलेगा तो मैं तुझे बताऊंगी। दो पफ गांजा अंदर जाएगा तो तुम समझते हो तुम्हारे अंदर जोश जागेगा। गांजा पीने के बाद तुम समझते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना? मगर तुम्हें पता नहीं भाला क्या कर सकता है। हेलो, ठीक है। hey, जल्दी चलो, जल्दी, फास्ट, कम ऑन। टेल मी नाउ वेयर इज फ्रेडी, कम ऑन। आंख फाड़ के क्या देख रहे हैं, घुसा दो के अंदर, बोल फ्रेडी किधर है, बोल जल्दी। भाला के हाथ से अब तक कोई बच नहीं सका। तुम्हें भाला के बारे में कुछ भी नहीं पता शायद। बोल बेटा, फ्रेडी कहाँ है, बोल। फुल लोडेड गन, एक गोली, इसकी एक गोली बस तेरी खोपड़ी उड़ाने के लिए काफी होगा, समझ रहा है ना? एक चांस और देती हूँ बस, the last and final chance for you. बहुत नौटंकी भी तेरी, हाँ? अब चुपचाप आराम से बैठ जा। तुझे क्या लगा था तू आसानी से मुझे पकड़ लेगी? इतना जोश, हाँ? अभी उतारता हूँ तेरा जोश, चल। बहुत गर्मी है तुझमें, गर्मी है तुझमें, अभी उतारता हूँ तेरी सारी गर्मी, हाँ? तूने सोचा था मुझे बंधक बना के मेरे गले पर चाकू रख के सब कुछ उगलवा लेगी? अभी बताता हूं। अब तू यहां जो भी बोलेगी मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा और उस वीडियो को फ्रेडी देखेगा, फ्रेडी देखेगा तेरा वीडियो। लोगों को पता तो चलना चाहिए कि भाला मर गया। तूने क्या सोचा था फ्रेडी के बारे में, हाँ? ये चाकू
यही चाकू है ना जो तूने मेरे गले पर रखा था? नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। भाला को मारने के लिए कुछ और चाहिए। ये बढ़िया है, ये चलेगा। कुछ समय पहले तूने पूछा था कि फ्रेडी कहाँ है ना? तुझे क्या पता फ्रेडी कितना पावरफुल है? तुम्हारा ये आंख निकाल के अपने बॉस को गिफ्ट में दूंगी, यही बोला था ना? तेरा खेल तो यहीं खत्म हो गया हीरोइन। ये कौन आ गया? रुक जा, अभी आता हूँ। लगता है फ्रेडी आ गया। आके नहीं बढ़ता हूँ तेरे से। Hey, come on fast, come on! सर, ऑपरेशन सक्सेस। भाला मर चुका है। देवर फोर। स्पेशल टास्क फोर्स राजन मित्रा। रसिया, ये हमारे लिए एक ट्रैप है ना? Thank you.
हाँ ठीक है, हाँ मैं कॉल करूंगा बाद में, ठीक है ओके ओके, चलो चलो चलो। हाय किशोर। हाय। हाय। मैं लेट हूँ क्या? नहीं नहीं, एक छोटा सा काम है। मुझसे? हाँ। ओके बोलो। तुम जाकर आलिया से मिलो। सुनो, उस दिन की तरह तुम घूमने मत चले जाना। उस दिन की तरह नहीं होगा। भाई एक सिगरेट देना। थोड़ा बिजी है। कॉल किया था मैंने। अच्छा। तो वो बोला थोड़ी देर के बाद आएगा, कुछ काम है उसे। कुछ भी हो जाए उसे पकड़ना है, हो सके तो आज ही। वो बात तो सही है। वैसे उसे कोई भी काम बोलो वो करेगा, ये तो पक्का है। हाँ देखो पहुंच गया। अरे कहाँ था? किधर था तू? एक घंटे के अंदर बड़ी मुश्किल से चीज मिली है। क्लियर एविडेंस विद पक्का वीडियो। किधर है? मोबाइल में दिखा जल्दी। अभी तेरे बारे में बात कर रहे थे, मैंने कहा था ना ये काम एकदम परफेक्ट करेगा। देखो ध्यान से देखो, अच्छा है ना? हाँ। ये कहाँ से मिला? मिला है कहीं से। कब? पुलिस के डर से अपना दोस्त एक जगह छुप कर बैठा था, उसने मुझे दिया। अब तो इसे आराम से ढूंढ सकते हैं। इस तरफ करो। कैसा लगा? अच्छा काम किया है। जरा एक मिनट होल्ड करना, वीना फोन पे है, क्या बोलना है उसे? तू कट कर फोन, पैसा वेस्ट मत कर। हाँ वीना वेट। अनवर का मेल आ गया। इट वॉज इन 2014, 6 ईयर्स गर्ल, रूडली रेप्ड एंड मर्डर, रेपिस्ट अननोन, इन्वेस्टिगेशन क्लोज्ड। हेलो। हाँ बीना, इन्फॉर्मेशन पक्की है, डबल चेक्ड। हाँ दे दो। फ्लाइट टाइम, ड्रेस कोड, व्हाट्सएप करो। Time is up. Asking you. मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। Now, you begging me for your life. मैंने कुछ नहीं किया। Please मुझे छोड़ दो। Please.
मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे बताओ मेरी गलती क्या है? मैंने क्या किया ऐसा? Glad that she met before you. मुझे छोड़ दो. And then she cried. मुझे छोड़ दो. Now you shout, and no one is coming to save you. मुझे जाना. Rapist must die. Beware of Bhala. देखो नजारा कितना अच्छा है ना. चाचा राघव चाचा आपने मुझे पहचाना नहीं चाचा. राघव चाचा मैं हूँ रसिया. देखो यह है सिद्धि. राघव चाचा सोमैया किधर है? वो मेरे पास नहीं आ रही है. लेकिन मैं उसे ढूंढूंगा. अच्छा रैंक आया है ना. मेरी बेटी ने बहुत अच्छा रैंक लाया है. पूरे गांव वालों ए सुनो, मेरी बेटी ने अच्छा रैंक लाया है. अभी मैं उसे ढूंढ के बताऊंगा. कहां छुप गई पता नहीं चल रहा है. डरना होगा उसे लड़कियों को दर्द देने से पहले. जिसने मेरी बेटी की हत्या की उसके टुकड़े टुकड़े काट डाला भाला. अरे तुम लोग इधर ही हो क्या? राघव चाचा कहाँ जा रहे हो आप? सुमैया बस स्टॉप पे वेट कर रही है. मुझे लगा तुम लोग भी वहीं पे हो. आज दोपहर के बाद हमने दुकान नहीं खोला. अच्छा? वो आई नहीं है क्या अभी नहीं तक? आई. सुमैया गई किधर? मैं उसे देख के आता हूँ. ओके चाचा आप देख के आइए. बाय. वो अब तक आई क्यों नहीं? किधर गई होगी? इधर देखो ये आ गई. रसिया दी कब आई आप? हम लोग अभी आए. तुम बताओ तुम्हारा रिजल्ट आया? नहीं दीदी रिजल्ट कल आएगा. मुझे तो बहुत डर लग रहा है. अरे नहीं नहीं तुम क्यों डर रही हो? पक्का तुम फेल ही होने वाली हो. देखिए मैं आपसे बात नहीं करूंगी. अरे वो तो ऐसे ही बकवास करता है. उसकी बातों पे मत जाओ. मैं सीरियसली बोल रहा हूँ. जाइए यहाँ से. इनके नोक जोक से परेशान हो गया हूँ. जा देखो लड़ते रहते हैं.
कल इसका रिजल्ट आने वाला है, हम अच्छा? भी जाएंगे इसके साथ। जाओ तुम लोग, चलते हैं कल। हाँ, तुम लोग हो ना साथ में। इसे पढ़ाकर एक अच्छा डॉक्टर बनाना है। तुम लोगों को जो सही लगे। हाँ सिद्धि, तुम्हारा क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, ध्यान रखना पड़ेगा। बेटा सुद्धि, सौम्या को रैंक मिला है। सच में? हाँ बेटा सुद्धि, वो डॉक्टर बन सकती है ना, तुम लोगों का एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। अरे राघव चाचा, वो तो मेरी बहन जैसी है। वैसे आपने रसिया को बताया क्या? मैं उधर ही जा रहा हूँ, उसे खुशखबरी देने जा रहा हूँ। रसिया दीदी। हेलो सुमैया, फर्स्ट रैंक में पास हुई हूँ मैं। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। मेरी इज्जत और सम्मान लूट चुका है, मेरे साथ बलात्कार हुआ है और मैं एक चरित्रहीन लड़की की तरह आपके सामने नहीं खड़ी रह सकती। मुझे माफ कीजिएगा आपकी सौम्या। फ्रेडी, ये सब मैंने कितना देखा है, हैं? तू तो डर गया यार। मुझे डर नहीं लगता, और तू भी थोड़ा ध्यान रखना। वो लड़की अगर सुसाइड कर लेगी या जहर पी लेगी तो पुलिस तुझे ही पकड़ेगी। वो तब देखेंगे, इतना कौन सोचता है। ऐसे तो कितने लड़कियों का केस मेरे ऊपर चल रहा है, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है। मेरे साथ तू भी आ रहा क्या? नहीं रे, तू जाना। लेकिन तू थोड़ा कुछ दिन संभल के रहना। अरे तू जा रे, मैं सब संभाल लूंगा। शाम को आएगा क्या? हाँ मिलते हैं ना। चल मैं जा रहा हूँ। ओके मिलते हैं शाम को। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इनको हम पकड़ के रहेंगे, पुलिस के पास जाकर कोई फायदा नहीं। हमें पुलिस कानून किसी की जरूरत नहीं है, उसके लिए अलग इंतजाम करना होगा। लेकिन क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? कंफर्म है ना? फ्रेडी अभी बेंगलोर में है। भाला, भाला,
तो बेटा बताओ, बहुत पाप किया ना, कष्ट तो हो गई। तू मुझे जानता नहीं, छोड़ दे मुझे। कौन हो तुम लोग और चाहते क्या हो? छोड़ो मुझे। रोने से कोई फायदा नहीं है, तेरी आवाज सुनने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। ये क्या चाहिए बोल, लेकिन छोड़ दे मुझे। जो चाहिए मिल जाएगा। देगा क्या जो चाहिए हमें तुझसे? हाँ, पैसा, प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी, क्या चाहिए बताओ? हाँ तो दे, हमारी सुमैया हमें वापस कर। दे पाएगा क्या? दो दिन पहले तुम लोगों ने सुमैया का रेप किया और उसे मार डाला, सब भूल गया क्या? ओ, वही लड़की है क्या? अच्छा, मैं ऐसा खेल बहुत बार खेल चुका हूँ। तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो? जाओ यहाँ से। ठीक है, जाते हैं। गुड बाय। छोड़, वरना बचोगे नहीं तुम दोनों। तुम लोग मुझे अच्छे से जानते नहीं हो। कौन हो तुम लोग? भाला। कौन? भाला। सोमैया के लिए अगर हमने इतना भी नहीं किया तो उसकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। अब अगला है फ्रेडी। या तो आज या तो कल उसकी जान तब तक बची रहेगी जब तक वो वापस नहीं आता। वेट करूंगी, वेट करना पड़ेगा जब तक सोमैया का कातिल मर नहीं जाता। आज हमारी सोमैया, ऐसी कितनी सोमैया ने जान दी होगी। किसी को पुलिस का डर नहीं, पैसे देकर एविडेंस मिटा देते हैं। और हालत ऐसी है, लड़की बाहर फ्रीली घूम भी नहीं सकती है। इसे रोकना जरूरी है। अब तो रेपिस्ट के लिए भाला का ही संविधान चलेगा। लेकिन अब डर लगेगा। दरिंदगी भरी आंखों से देखने वालों की आंखें निकाल कर हाथ में देने के लिए भाला आया है। बस बस बस, गाड़ी यहीं साइड में रख दे। तू बैठ, मैं आता हूं।
Where and how? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। किसी भी कीमत पर दोनों को खत्म करो। Okay सर। भाला, तुम लोगों को शूट करने का ऑर्डर है। तुम्हारा खेल खत्म। भाला, दुनिया को ठीक करने आए हो तुम लोग? इतना आसान नहीं है। पैसा, पावर, ये दोनों जिसके पास है ना, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इधर फ्रेडी का कानून चलता है, पैसे वालों का कोर्ट है। तुम लोगों ने मुझे बहुत डर दिया है। नंबर वन, शाहजी का हाथ काट डाला। नंबर टू, मेरे राइट हैंड दिनेश को जान से मार डाला। सब कुछ माफ कर सकता हूं, पर एक कंडीशन पर। पहले जो हुआ भूल जाओ, तुम लोग मेरे साथ आ जाओ। फ्रेडी के साथ रहोगे तो सेफ रहोगे, कोई हाथ तक नहीं लगा सकेगा तुम्हें। तुम्हें जो भी चाहिए सब कुछ मिलेगा। तूने अभी बोला साम्राज्य बनाने के लिए हिम्मत और पावर नहीं चाहिए, केवल कुछ ही गुंडों का सपोर्ट होना चाहिए।
भाला का मकसद दूसरा है फ्रेडी, प्रॉब्लम्स के कई टुकड़े करके दुश्मन की छाती को फाड़ने के लिए भाला कभी पीछे नहीं हटता। पाप मिटाने के लिए कोई तो अवतार जरूर आता है। वेरी गुड, मौत के सामने खड़े और फिर भी ऐसी परफॉर्मेंस, तुम्हारे हौसले की दाद देनी पड़ेगी। यू मेड मी अ फैन ऑफ यू। एक बात याद रखना, शेर अपना शिकार हमेशा खुद ही करता है, दूसरे के किए शिकार पे वो हाथ भी नहीं लगाता। लेकिन शिकार खूबसूरत तो... फ्रेडी वक्त बदल गया है, शायद तुझे नहीं पता, अभी भाला का वक्त है। माँ बहनों और बच्चों का रेप करने वाले तुम्हारे जैसे दरिंदों को खत्म करने के लिए भाला हाजिर है। देख तेरी मौत तेरे सर पर नाच रही है। Shoot them! मैंने आपकी बेटी का एक वीडियो भेजा है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिए। इन लोगों ने जो किया अच्छा किया, मारने वाले लोग तेरे जैसे ही दुष्ट थे। भाला शैडो फोर्स का इफेक्ट पड़ा है, देश के हर राज्य में हमारे फोर्स एक्टिवेट हो गए हैं। देखो हमारा सिस्टम फॉलो करके चेन्नई, बेंगलोर, गुजरात, गोवा, ये सब राज्य भाला संगठन के नियंत्रण में है। सर प्राउड ऑफ यू, तुम लोगों ने चालाकी से जो काम किया, जुल्म के लिए जो लड़ाई लड़ी और डिसीजन लिया, ठीक उसी तरह एक फोर्स बनाने का इंस्ट्रक्शन मिला है। एवरीवन इज ए प्रोटेक्टर। भाला द प्रोटेक्टर। Thank you.
रक्षक भाला मासूम का रक्षक है भाला, दुष्टों का नाश करता है सबका रखवाला। मसीहा बन के आया भाला, बारिशों में या तूफानों में दुर्बलों का सहारा है भाला।